लास्ट वीडियो T1 स्पेस के ऊपर था, तो उसमें हमने T1 स्पेस की डेफिनेशन और 5 एग्जांपल्स पढ़े थे। T1 स्पेस के ऊपर एक एग्जांपल बचा हुआ है, तो ये लास्ट एग्जांपल है T1 स्पेस के ऊपर। इसमें प्रूव करना है कि प्रत्येक मैट्रिक्स स्पेस T1 स्पेस होगा। तो हमने कोई भी एक आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स स्पेस ले लिया और इस मैट्रिक्स स्पेस एक्स को T1 प्रूव करना है। तो T1 प्रूव करने के लिए इसमें से हम कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट उठाएंगे। तो इसमें से कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट हमने x और y ले लिए। अब जो d मैट्रिक्स फंक्शन होता है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और ये डिस्टेंस हमने मान ली कि एप्सिलॉन है, क्योंकि जो दो पॉइंट्स डिफरेंट है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ये एक ओपन स्फेयर हो गया जिसकी रेडियस एप्सिलॉन होगी और सेंटर x होगा, और प्रत्येक ओपन स्फेयर ओपन सेट होता है मैट्रिक्स स्पेस में। तो ये एक ओपन स्फेयर हो गया, ओपन स्फेयर हो गया एप्सिलॉन रेडियस का सेंटर x, और जो दूसरा ओपन स्फेयर होगा वो y सेंटर होगा उसका और एप्सिलॉन। ये दोनों ओपन स्फेयर हैं तो बाउंड्री के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। तो इस ओपन स्फेयर का जो बाउंड्री पॉइंट है वो x है, लेकिन ये सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स को कंटेन करता है, तो इसमें x नहीं आएगा। सिमिलरली इसमें y बिलोंग नहीं करेगा। तो ये एक ओपन सेट हो गया जो x पॉइंट को कंटेन करेगा, क्योंकि इस ओपन स्फेयर का जो सेंटर है वो x है और रेडियस एप्सिलॉन है। और जो दूसरा ओपन स्फेयर है, तो ये ओपन स्फेयर ओपन सेट होगा, तो ये ओपन सेट हो गया जो y को कंटेन करेगा, x को कंटेन नहीं करेगा, और दिस इंप्लाइज इज ए T1 स्पेस। T1 स्पेस के ऊपर कुछ 5 to 6 थ्योरम्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट थ्योरम है उसमें हमसे ये प्रूव करवा रहा है, अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस T1 है तो प्रूव करके दिखाओ इस स्पेस का प्रत्येक सिंगलटन सबसेट भी क्लोज्ड होगा। तो पहले हम मान लेते हैं, इसमें एक पार्ट मान लेते हैं, और हमने इसमें मान लिया कि बाद वाला पार्ट होल्ड हो रहा है। ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसमें प्रत्येक सिंगलटन सबसेट क्लोज्ड है, और हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि x T1 होगा। तो T1 के लिए हम इसमें से कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट उठाएंगे। तो हमने इसमें से कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट उठा लिए x, कैपिटल x स्पेस में से, और हमने अजम्पशन ले रखा है कि कैपिटल x का प्रत्येक सिंगलटन सबसेट क्लोज्ड होगा। तो बाय हाइपोथेसिस ये होगा, ये क्लोज सेट्स हो गए। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें x बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये क्लोज सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट हो जाएगा, ओपन सेट, ये ओपन सेट हो जाएगा। इसमें x बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये सिंगलटन x का कॉम्प्लीमेंट है, और ये क्लोज सेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट ये हो जाएगा। तो ये ओपन सेट हो गया जिसमें y बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि y इसमें से डिफरेंस हो चुका है, और इसमें x बिलोंग करेगा। और जो दूसरा ओपन सेट ये हो गया जिसमें x बिलोंग नहीं करेगा, y बिलोंग करेगा। तो यहां दो ओपन सेट एग्जिस्ट कर गए, एक ओपन सेट एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है, दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा, सिमिलरली दूसरा ओपन सेट। अब कन्वर्स पार्ट में हमें T1 स्पेस लेके चलना है और प्रूव करके दिखाएंगे कि प्रत्येक सिंगलटन सबसेट क्लोज्ड होगा। तो T1 स्पेस है, तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया और इस आर्बिट्रेरी एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग ये दिखा देंगे कि इस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग जो सिंगलटन सबसेट होगा वो क्लोज्ड होगा। अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग जो सिंगलटन सेट क्लोज्ड हो गया, तो फिर सभी पॉइंट्स के कोरस्पोंडिंग, तो दूसरा पॉइंट वाई ले लिया सच दैट वाई पॉइंट एक्स से डिफरेंट है। अब एक्स और वाई डिफरेंट पॉइंट हो गए और एक्स T1 स्पेस है, तो एक दो ओपन सेट जरूर एग्जिस्ट करेंगे। एक ओपन सेट एक पॉइंट को कंटेन करेगा, दूसरे पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। दूसरा ओपन सेट दूसरे पॉइंट को कंटेन करेगा, पहले पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। तो दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे तो एक ओपन सेट तो करेगा फिर। तो यहां पर एक ऐसा ओपन सेट मान लिया कि जी वाई वाई को कंटेन कर रहा है, एक्स को कंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे तो फिर एक तो करेगा। तो यहां पर वाई नॉट बिलोंग्स टू जी वाई, और हम जानते हैं
इस सेट में सिर्फ एक्स एलिमेंट नहीं है और यूनिवर्सल सेट का प्रत्येक सेट सबसेट होता है, तो इसमें एक्स एलिमेंट नहीं है, तो इसमें से एक्स डिफरेंस करने के बाद ये सेट इसमें कंटेंट हो जाएगा। और ये कंडीशन होल्ड करके दिखा दी हमने, वाई कोई भी पॉइंट लिया था कैपिटल एक्स में से कोई आर्बिट्री पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर जैसे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका सबसेट हो जाएगा। और ये कंडीशन होल्ड हो रही है इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि वाई एक्स में बिलोंग कर रहा है लेकिन वाई किस से डिफरेंट है, स्मॉल एक्स से। तो कर्ली ब्रैकेट लगाते ये इसका और यहाँ यूनियन अप्लाई कर देंगे इस सेट से, तो ये सेट पता है हमें कि जितने भी इस सेट में एलिमेंट्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग सेट सिंगलटन सेट्स का यूनियन करना है, तो ये सेट यही हो जाएगा और ये इसके इक्वल टू हो गया। अब जी वाई ओपन सेट है और टी टोपोलॉजी है, तो थर्ड कंडीशन होती है टोपोलॉजी की, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन, तो ये सेट ओपन हो गया, तो ये सेट भी ओपन हो गया, तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो सिंगलटन एक्स होगा, वो क्लोज्ड हो गया। यही हमें प्रूव करके दिखाना था। जो नेक्स्ट थ्योरम है उसमें भी इफ एंड ओनली कंडीशन है, अगर फाइनाइट स्पेस कैपिटल एक्स जो सेट है स्पेस है वो फाइनाइट टी वन स्पेस है, तो प्रूव करके दिखाओ कि ये टी वन होगा ना, सॉरी डिस्क्रीट स्पेस होगा, और डिस्क्रीट स्पेस है तो प्रूव करके दिखाओ कि वो स्पेस जो फाइनाइट स्पेस है वो टी वन होगा। तो यहां इस थ्योरम में फाइनाइट स्पेस की कंडीशन दे रखी है, उस फाइनाइट स्पेस को टी वन लेंगे तो डिस्क्रीट स्पेस प्रूव करेंगे, डिस्क्रीट स्पेस लेंगे तो उस फाइनाइट स्पेस को टी वन प्रूव करेंगे। तो पहले हमने इस थ्योरम में कोई भी एक फाइनाइट टी वन स्पेस ले लिया और हम प्रूव करके दिखाएंगे कि ये फाइनाइट टी वन स्पेस डिस्क्रीट स्पेस है। तो वी नो दैट ए स्पेस इज डिस्क्रीट इफ एंड ओनली इफ इट्स एवरी सबसेट इज ओपन, अगर किसी स्पेस का प्रत्येक सबसेट ओपन हो जाता है तो वो स्पेस डिस्क्रीट स्पेस हो जाएगा। तो सिंस एक्स इज टी वन है, ये पहले अजम्पशन ले रखा है हमने, तो हमने पहले अभी थ्योरम पढ़ी थी ए स्पेस इज टी वन इफ एंड ओनली एवरी सिंगलटन सबसेट इज क्लोज्ड, तो उस थ्योरम के स्टेटमेंट से इसका प्रत्येक सिंगलटन सबसेट क्लोज हो जाएगा। मान लीजिए कि फाइनाइट सेट था तो इसमें 10 एलिमेंट थे, तो 10 एलिमेंट थे तो 10 एलिमेंट्स के कोरस्पोंडिंग 10 सिंगलटन सेट्स क्लोज्ड हो गए, और वी नो दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, मान लो एक्स सिंगलटन सेट क्लोज्ड है वाई क्लोज्ड है तो फिर उनका यूनियन भी क्लोज्ड होगा। सिमिलरली वाई क्लोज्ड है जेड क्लोज्ड है डब्ल्यू सिंगलटन सेट क्लोज्ड है तो फिर इन तीनों सेट्स का, तो इट मीन्स इसके जितने भी फाइनाइट सबसेट्स होंगे वो सारे के सारे क्लोज्ड हो जाएंगे, फिर उन सारे सबसेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो ओपन हो जाएगा। तो इस थ्योरम में ये प्रूव हो गया कि इसके प्रत्येक सबसेट ओपन है और ओपन होते ही ये स्पेस कैसा हो गया, डिस्क्रीट स्पेस हो गया। कन्वर्स जो पार्ट है उसमें हमें ये लेके चलना है कि ये डिस्क्रीट स्पेस है और शो करके दिखाना है कि ये टी वन स्पेस है, ये पहले एग्जाम्पल में भी आ चुका है, और डिस्क्रीट स्पेस को टी वन स्पेस प्रूव कीजिए। तो हम इसमें इसको फाइनाइट डिस्क्रीट स्पेस मान लेते हैं और टी वन स्पेस प्रूव करेंगे, तो टी वन स्पेस करने प्रूव करने के लिए इसमें से कोई भी दो डिफरेंट पॉइंट लेंगे और ये एक्स और वाई कैपिटल एक्स के एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो सिंगलटन सेट बनेगा वो इसका सबसेट होगा, और ये डिस्क्रीट स्पेस है तो प्रत्येक सबसेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई सिंगलटन एक्स सेट और सिंगलटन वाई सेट ओपन सेट्स हो जाएंगे, तो सिंगलटन एक्स जो सेट है वो एक्स एलिमेंट को कंटेन वाई को कंटेन नहीं करेगा क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और सिमिलरली वाई ओपन सेट है, सिंगलटन वाई ओपन सेट है जो वाई को कंटेन एक्स को, ये टी वन स्पेस हो गया।